नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के हरुआ कोईराजपुर स्थित संत अतलानंद कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में, जहाँ आप देख रहे हैं क्षत्रिय धर्म संसद पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि विधानसभा का चुनाव महज 2 ही वर्षों में होने वाला है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में क्षेत्रीय धर्म संसद का होना इस बात की गवाही है कि इसका संदेश काफी दूर तक जाएगा। ये एक औपचारिकता है कि मैं मंच पर बैठे लोगों का नाम है, लेकिन जो लोग मंच पर बैठे हैं ये सब अपनी आप की संस्थाएं हैं जिनका बच्चे भी किसी बच्चे के मोहताज बन गए। नाम क्रम में दे रहा हूँ, ताली बजा कर उनका स्वागत करें ताकि हमारा मार्गदर्शन करते रहे। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं महान संत श्री गंगे हंस जी का इस परिसर में स्वागत है। माननीय सांसद राज्यसभा श्री गोपाल नारायण सिंह जी, और इस कार्यक्रम की धुरी डॉक्टर जैन सिंह जडेजा जी, श्री महेंद्रपाल सिंह राघव जी, प्रोफेसर प्रेम सिंह जी, श्री विशाल सिंह जी, श्री आनंद मोहन सिंह जी जो आज उनके कारण से उपस्थित नहीं हो सके, परंतु उनका परम सहयोग रहा हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, श्री मुकेश सिंह जी, श्री पी टी जडेजा जी जो सुबह ज्यादा हुए, श्री दशरथ भाव परमार, श्री रविंद्र सिंह जी, इसमें मेरा भी नाम लिखा है चले। आप सभी का मैं इस प्रांगण में इस काशी की धरती पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। अपना मार्ग चुनते हैं और उसको सफल बनाते हैं, ये कुछ जिनको दीप जलाकर आज हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, उन्हीं के पूर्वज भगीरथ ने जो है गंगा को इस धरती पर उतारने का काम किया था, उसी पति पावनी गंगा के क्षेत्र में हम आज उपस्थित हैं। ये आपका भी सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है। सम्मान करना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन चूंकि हम लोगों ने इसका नाम ही लिखा है धर्म संसद, तो यहाँ उसके ऊपर ज्यादा हमें चर्चा करनी चाहिए। बसंते की माल्यार्पण करने और स्वागत करने, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि बहुत ही दूर दूर से लोग आए हुए हैं। वो जिस तरह से हमारे अध्यक्ष महोदय ने उद्बोधन दिया, उस तरह से अन्य अतिथियों को भी सुनना चाहते हैं, और यहाँ बैठे हुए तमाम लोग हैं जो अपने विचार व्यक्त करेंगे। लेकिन चूंकि आपने धर्म संसद का नाम दिया है, तो उसमें उस धर्म का पालन करना सबसे पहला कर्तव्य है हमारा, कि जिस कार्य के लिए ये धर्म संसद हुई है उसका धर्म जो है उसको हम पालन करें। तो भी हमारा है, झांसी की रानी भी हमारा है। इस वक्त हमारे साथ हैं सुधीर सिंह जी, आइए इनसे जानते हैं कि आज क्षत्रिय महासभा में जो है किस तरीके का क्या आह्वान किया गया और क्या शपथ ली गई यहाँ पर। देखिए, ये क्षत्रिय धर्म संसद का आयोजन हुआ और पूरे देश में क्षत्रियों को जगाने के लिए ये आयोजन हुआ, और जयंत सिंह जडेजा जी ने इसकी पहल की। ये गुजरात से आए स्पेशल ट्रेन लेके, क्षत्रिय स्पेशल ट्रेन के नाम से, और ये ट्रेन यहाँ आई और ये धर्म संसद इतनी बड़ी हुई। ये काशी में क्या पूरे पूर्वांचल में पहली बार था कि क्षत्रियों का इतना बड़ा जमावड़ा हुआ। इसके बाद ये ट्रेन यहाँ से अयोध्या जाएगी, उसके बाद देहरादून जाएगी, और सारे क्षत्रियों को जगाते हुए भगवान श्री राम के नाम को, शौर्य को आगे बढ़ाते हुए ये ट्रेन वापस जो है अहमदाबाद जाएगी। आइए इसी विषय पर हम नीरू सिंह जी से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। एक लक्ष्य क्षत्रिय एकत्र, ये अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम रहा, जिसमें समस्त क्षत्रिय वंश के लोग इकट्ठा हुए और अपने वंश के वो एकत्रित करने के लिए विशेष रूप से एक आह्वान किया गया, जिसमें सारे लोग इकट्ठा होकर एक शपथ लिए और आगे इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। हमारे साथ क्षत्रिय धर्म संसद के एक और सदस्य जुड़े हुए हैं, आइए हम जानते हैं कि इनका नाम क्या है और इनका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। हम दीपक सिंह रघुवंशी, जो हम आए हुए यहीं वाराणसी से हैं, जो हम रघुवंशी कुल के हैं, जो हम रामचंद्र जी की वंशज है हमारी, उसी से हम जुड़े हुए यहाँ पे हैं। और यहाँ क्षत्रिय महासम्मेलन में हम लोग आके एक यहाँ पे कुछ ऐसे जो नीचे तबके के जो क्षत्रिय लोग दबे हुए हैं, हम लोग उनको ऊपर लाना चाह रहे हैं और कार्य को प्रगति दे के कुछ संख्या में जो है कार्य करना चाह रहे हैं। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी आदरणीय महाराज जी, आपका स्वागत है व्यापार मंडल से रमेश भारद्वाज जी आए हैं, जिनपे आप भी मंच पर आए और स्वागत करें। हमारे बीच हमारे मेन माता रहा हूँ, जिनपे आप भी आए और सांसद महोदय जी का माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करें। लारतारा से हमारे पास एक बड़ा सम्मानित नाम आया है और मुझे आश्चर्य है, क्योंकि ये नाम अक्सर हम लोगों के बीच इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन व्यापार मंडल के कार्यक्रमों में देखिए क्या है कि अगले 10 दिन पहले हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठक करते हैं, तो उनसे हमने कई विषय पर चर्चा किया कि हमारे वैश्य समाज व्यापारी भाई मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के जन्म जन्मांतर तक वोटर हैं। पहले भी थे जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से शुरुआत हुआ, और आज भी पूरी ताकत के साथ वैश्य समाज और व्यापारी भाई पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मगर बहुत सारे उत्पीड़न उनको सहना पड़ता है और बहुत ज़्यादा भागीदारी भी राजनीति में वैश्य समाज की नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करो और एक रैली
प्रयागराज में करो। दौरा करने से सारी समस्याएं से तुम अवगत हो जाओगे, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूँ, हमारा भी व्यवसाय है और हम 2017 में प्रतापगढ़ से विधायक बने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से, और 2019 में उनके ही आशीर्वाद से और मोदी जी के आशीर्वाद से हम वहाँ से सांसद चुने गए। और पहली बार मैं पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण में निकला हूँ और व्यापारियों से मुलाकात कर रहा हूँ जगह जगह, और उनके व्यवसाय करने में क्या समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से अवगत हो रहा हूँ, और उनके समस्याओं को निजात करने के लिए मैं भारत सरकार से जो उनके तकलीफें दूर हो, और हमारे राज्य में भी सरकार है और यहाँ वहाँ दोनों जगह उनकी समस्याओं का निस्तारण कराएंगे। और 23 फरवरी को प्रस्तावित है भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले पूरे वैश्य समाज के पूरे उत्तर प्रदेश की एक महाकुंभ, वैश्य महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे केपी ग्राउंड में होना निश्चित हुआ है उस सिलसिले 23 फरवरी को। बड़ी बात यह है कि लगातार यहाँ पर व्यापारियों की हत्याएं हो रही है, और इस पर प्रशासन पूरी तरह से, अभी कल की भी घटना है, एक व्यापारी की हत्या की हत्या हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों पर लगाम लगाने में प्रशासन पूरी तरह से, सरकार पूरी तरह से विफल दिखती है। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि अपराधी पूरी तरीके से जिस तरीके से व्यापारियों की तरफ, क्योंकि व्यापार करने वाला आदमी छोटा बड़ा व्यवसायी, उसके पास हर चीज़ के आवागमन रहते हैं और क्राइम करने वाला व्यक्ति उनके ऊपर निगाह रखता है, मगर हमारी सरकार पूरी तरीके से व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों के व्यवसाय की सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ी है। और हम पूरे प्रदेश में व्यापारियों की समस्याएं जो भी है उसको हम समझेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे नहीं, उनको निस्तारण भी कराएंगे, और व्यापारियों की सुरक्षा देना हमारा दायित्व है, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूँ। लगातार जिस तरह से पूरे देश में इस समय सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी का बवाल चल रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह? देखिए नागरिकता संशोधन बिल जो अभी अभी हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो पारित किया है, वो राजनीतिक पार्टियां उनका जमीन खसक रहा है, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। क्योंकि जो अमेंडमेंट बिल है, इस भारत में जो भी हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी परिवार यहाँ इस देश में रह रहा है, उनकी कोई नागरिकता न तो सुनी जा रही है आज न तो कल, क्योंकि जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई सिख ईसाई जैन बौद्ध वहाँ पे रहते थे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए इस भारत में आए हुए हैं, उनको नागरिकता देने का ये बिल है। बाकी इस भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक किसी भी समाज का हो, हमारा भाई है, हमारे परिवार के साथ रहता है, उसकी कोई नागरिकता न तो जा रही है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की जो पार्टियाँ इस तरीके से हमारे देश की जनता को गुमराह कर रही हैं, वो सामने आने लगा है धीरे धीरे, समझने भी लगे हैं सब, और उनका जो गुमराह करने का जो षड्यंत्र था, जो इस देश के जनता को गुमराह करके कहीं कहीं बवाल करा के जनहानि संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया, उनसे वसूला जाएगा, क्योंकि उस विचारधारा के जो लोग इस दंगे में शामिल हैं वो इस देश के नहीं हो सकते हैं और जो देश के नहीं हो सकते। तो ये रही वाराणसी से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें।